दिल्ली के सत्य निकेतन में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरी, दो लोगों की मौत, मलबे से चार लोगों को जिंदा बचाया गया। रेनोवेशन की वजह से गिरी इमारत, इमारत के जर्जर होने को लेकर एमसीडी पहले दे चुकी थी नोटिस। पूरी छत दबने की वजह से रेस्क्यू में हो रही थी दिक्कत, एनडीआरएफ की टीम ने ड्रिल करके मजदूरों को निकाला। सभी मजदूर बिहार के अररिया के रहने वाले हैं, दिल्ली के अस्पताल में इलाज जारी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने घटना पर दुख जताया। आप विधायक प्रमिला टोकस का आरोप, बीजेपी के पूर्व एमएलए अनिल शर्मा के भांजे की बिल्डिंग है, अनिल शर्मा ने आरोप को गलत बताया। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर आर पार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा हम गदाधारी हिंदुत्ववादी हैं, हमें दादागिरी ना दिखाओ। उद्धव ठाकरे का नवनीत राणा पर हमला, बोले हनुमान चालीसा पढ़ना है तो घर पर बैठकर पढ़िए, बाला साहब ने मुझे दादागिरी तोड़ना भी सिखाया है। आदित्य ठाकरे का भी पलटवार, हनुमान चालीसा का विरोध नहीं, जबरदस्ती दूसरे के घर में घुसकर पढ़ना गलत। बॉम्बे हाईकोर्ट से नवनीत और रवि राणा को झटका, एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज। बॉम्बे हाईकोर्ट का दूसरी एफआईआर पर आदेश, राणा दंपति पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले 72 घंटे पहले सूचित करना होगा। पब्लिक प्लेस पर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर हाईकोर्ट ने नवनीत राणा को फटकार लगाई, कहा आपके पास पावर है तो जिम्मेदारी भी है। नवनीत और रवि राणा ने मुंबई के सेशन कोर्ट में नई जमानत याचिका दाखिल की, मंगलवार को होगी सुनवाई। नवनीत राणा की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी, कहा दलित होने की वजह से थाने में मुझे पुलिस वालों ने पानी तक नहीं पीने दिया। लोकसभा सचिवालय ने नवनीत राणा मामले पर महाराष्ट्र सरकार से डिटेल रिपोर्ट मांगी। महाराष्ट्र के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने राज ठाकरे को बताया रंग बदलू, कहा फालतू बकवास करते हैं राज ठाकरे। मंत्री विजय वडेट्टीवार ने राणा दंपति से भी को भी सरेआम मंच से गाली दी, नलायक कहा। बीजेपी नेता मोहित कंबोज का मुंबई पुलिस पर आरोप, बार बार सुरक्षा मांगने की बात भी नहीं दी जा रही। लाउडस्पीकर पर महाराष्ट्र सरकार की सर्वदलीय बैठक, राज ठाकरे और बीजेपी के बड़े नेताओं ने बहिष्कार किया। लाउडस्पीकर विवाद पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री का बयान, जरूरी हुआ तो केंद्र से मिलेगा डेलीगेशन, पूरे देश में एक कानून बने। महाराष्ट्र सरकार का लाउडस्पीकर पर नई गाइडलाइन से इनकार, गृहमंत्री बोले अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून नहीं। सरकार की सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे फडणवीस, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा महाराष्ट्र में हिटलर गिरी और अराजकता का माहौल है। फडणवीस का उद्धव सरकार को चैलेंज, कहा हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हिम्मत है तो हम पर राजद्रोह का केस लगाओ। सपा नेता अबू आसिम आजमी की गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मांग, समाज को बांटने वालों के खिलाफ मकूका जैसे सख्त कानून जल्द से जल्द बनाए जाएं। एनसीपी चीफ शरद पवार का बीजेपी पर तंज, बोले राष्ट्रपति शासन सिर्फ धमकी, अगर चुनाव हुए तो कोल्हापुर उपचुनाव जैसा परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश में 125 लाउडस्पीकर उतरवाए गए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बोले 17,000 लाउडस्पीकर लोगों ने अपनी इच्छा से उतारे। किरीट सुमैया पर हमला करने पर मुंबई पुलिस की कार्रवाई, मुंबई के पूर्व मेयर विश्वनाथ महदेश्वर को गिरफ्तार किया। मुंबई बीजेपी नेताओं के डेलीगेशन ने केंद्रीय गृह सचिव से उद्धव ठाकरे सरकार की शिकायत की, किरीट सुमैया बोले हमले समेत 7 मामलों की जानकारी दी। किरीट सुमैया ने कहा चुने हुए प्रतिनिधियों को जिंदा गाड़ने की धमकी दी जा रही है, स्पेशल टीम महाराष्ट्र भेजने की मांग। संजय राउत ने महाराष्ट्र को बदनाम करने के षड्यंत्र का आरोप लगाया, पूछा यूपी में 3 महीने में 17 बलात्कार और कत्ल हुए, वहां क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा। एनसीपी नेता फहमीदा हसन ने गृहमंत्री अमित शाह से पीएम हाउस पर हनुमान चालीसा और नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी, वीडियो जारी किया। उदयपुर में 13 मई से कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर, कैंप में चर्चा के लिए बनाई गई 6 समितियां। चिंतन शिविर में बेरोजगारी, खेती, आर्थिक और राजनीतिक समेत 6 एजेंडों पर होगी चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद समेत 6 लोग बनाए गए संयोजक। सोनिया गांधी के घर पर कांग्रेस के सीनियर नेताओं की बैठक, केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह, प्रियंका गांधी मौजूद, प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करने पर हुई बात। तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने कहा भारत में एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, बीजेपी को बताया उत्तर भारत की पार्टी। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बोले हार्दिक पटेल परिवार में सवाल उठते हैं, बातचीत होती है, अफवाह ना फैलाने की सलाह दी। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी को विवादित ट्वीट के मामले में जमानत मिली, फिर दूसरे केस में दोबारा गिरफ्तार हुए। हिमाचल में चुनाव से पहले बीजेपी का दाव, सीएम जयराम ठाकुर बोले समान नागरिक संहिता का कर रहे हैं विचार, अध्ययन के बाद फैसला। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली में स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक्स का जायजा लिया, छात्रों से बात की। दिल्ली के स्कूलों में हुए बदलाव को भी भगवंत मान ने देखा, स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर पर भी सरकार का जोर। भगवंत मान ने दिल्ली के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ की, पंजाब के सरकारी अस्पताल इसके आसपास भी नहीं है ऐसे बोला। भगवंत मान के दिल्ली मॉडल को देखने पर बोले सीएम केजरीवाल ऐसे ही एक दूसरे से सीखेंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। राजद नेता रामराज यादव ने तेज प्रताप यादव पर लगाया मारपीट कर वीडियो बनाने का आरोप, इफ्तार पार्टी के दिन राबड़ी आवास की घटना। टीएमसी नेता रिपुन बोरा का बयान, असम में बीजेपी का विकल्प बनेगी टीएमसी, 2023 में त्रिपुरा और 2026 में असम में बनाएगी सरकार। कर्नाटक में हिजाब के बाद बाइबल पर विवाद, बेंगलुरु के क्लियरेंस हाई स्कूल पर छात्रों का बाइबल पढ़ाने का आरोप। बाइबल विवाद के बाद एक्शन में शिक्षा विभाग, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर स्कूल प्रशासन से मामले पर रिपोर्ट लेने पहुंचे। क्लियरेंस हाई स्कूल के प्रिंसिपल जॉर्ज मैथ्यू का बयान, कहा हम अपने वकीलों से बात कर रहे हैं, देश का कानून नहीं तोड़ेंगे।
रायसीना डायलॉग 2022 में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने की भारतीय लोकतंत्र की तारीफ, कहा भारत के चुनाव की ओर देखती है दुनिया। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष ने बूचा नरसंहार पर जताई चिंता, कहा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन कर रहा है रूस। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, सामरिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की, विदेश मंत्री से भी मिली। 27 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में कई अहम मुद्दों पर मंथन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिली यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट, कहा हमारे बेहतर भविष्य और मजबूत साझेदारी के लिए बेहतर समय। भारत दौरे पर नॉर्वे की विदेश मंत्री एनिकेन क्विटफेल्ड हिंदी में ट्वीट करके जताई संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा। भारत सरकार ने 16 यूट्यूब चैनलों पर लगाया बैन, दुष्प्रचार के खिलाफ 10 भारतीय और 6 पाकिस्तानी चैनलों को बंद किया। सांप्रदायिक भावना भड़काने, व्यवस्था बिगाड़ने और झूठ फैलाने पर कार्रवाई हुई, 68 करोड़ से अधिक थी दर्शकों की संख्या। गर्मी की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 की सुनवाई की लिस्टिंग पर विचार करने को तैयार, याचिका में 370 हटाने को दी गई है चुनौती। सीएम गहलोत की इफ्तार पार्टी में छाबड़ा दंगे के आरोपी के पहुंचने पर बवाल, बीजेपी का आरोप सांप्रदायिकता की आग में झोंक रहे हैं सीएम। छाबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने मामले की जांच की मांग की, पूछा सीएम आवास में प्रवेश की इजाजत क्यों दी गई। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे से जबरन वसूली का आरोप, आरोपी रेणु शर्मा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी की पुलिस कस्टडी बढ़ाई गई, 7 दिन तक और पुलिस कस्टडी में रहेगा अहमद मुर्तजा अब्बासी। एसडीएमसी मेयर मुकेश सूर्यन का बयान, शाहीनबाग, ओखला, विष्णु उद्यान और मदनपुर खादर समेत कई इलाकों में अतिक्रमण हटाया जाएगा। बंगाल के मालदा में बम विस्फोट का मामला, एनसीपीसीआर चेयरमैन ने प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को जांच के लिए खत लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने सरोजनी नगर में झुग्गियां हटाने के आदेश पर रोक लगाई, कहा कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। सीएम केजरीवाल के घर पर हमले के मामले में 17 मई को सुनवाई, दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हाईकोर्ट, नई स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा। भारतीय तटरक्षक दल ने पाकिस्तानी बोट अल हज को अरब सागर में पकड़ा, 9 क्रू मेंबर्स के साथ बोट को गुजरात के जखाऊ पोर्ट पर लाया गया। अल हज बोट में 56 किलो ड्रग्स बरामद, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 280 करोड़ रुपए कीमत। दिल्ली के मोहम्मदपुर में मिला संदिग्ध बैग, बम निरोधक दस्ता और दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची, दिल्ली को दहलाने की हो सकती है साजिश। 22 अप्रैल को हड़ताल करने वाले नर्सिंग स्टाफ पर एक्शन लेगा एम्स प्रशासन, हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। एमपी में कृषि नवाचार पर नीति आयोग की कार्यशाला, सीएम शिवराज ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल, 1945 में सहकारिता की शुरुआत, तब से ये फल फूल रहा है। राजस्थान के भरतपुर में दलितों के डीजे बजाने पर हंगामा, दबंगों ने डंडों से पिटाई की, गांव से निकालने की धमकी दी। ग्वालियर के डबरा में लव जिहाद का मामला, राजू बनकर इमरान ने मंदिर में की शादी, फिर इस्लाम कबूल कराया। नागपुर के काटोल में फर्नीचर वर्कशॉप में आग, आग में झुलसने से एक बुजुर्ग की मौत, कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू। दिल्ली में हिमाचल के राजीव मीडिया सेंटर का उद्घाटन, सीएम जयराम ठाकुर ने उद्घाटन किया। इम्फाल एयरपोर्ट पर दिल्ली जा रहे शख्स से करोड़ों रुपए का विदेशी सोना जब्त, 65 विदेशी सोने के टुकड़े बरामद। आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर चित्तूर इलाके में यात्री बस पर नक्सलियों का हमला, यात्रियों को नीचे उतारकर बस को आग के हवाले किया। असम पुलिस के खुफिया विभाग को मिली बड़ी कामयाबी, अंसारुल बांग्ला गुट के 16 आतंकी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक, लोगों को जागरूक करने और टीकाकरण की गति बढ़ाने का निर्देश दिया। बढ़ते कोरोना मामलों पर झारखंड शिक्षा विभाग सख्त, सभी जिलों को स्कूलों में कोविड टेस्ट करने के निर्देश दिए। कर्नाटक में सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाया हुआ अनिवार्य, शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने अनावश्यक सभाओं से बचने की अपील की। हरियाणा में 18 साल से ऊपर को फ्री में लगेगी बूस्टर डोज, राज्य सरकार इसके लिए 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पश्चिमी रूस के ब्रयांस्क में एक तेल गोदाम में आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रूस ने नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया, हाइपरसोनिक वेपन्स ले जाने में होंगी सक्षम। रूस ने जारी किया कम दूरी की इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल लागे जाने का फुटेज, यूक्रेन के हथियारों और वाहनों को बनाया निशाना। रूस ने जारी किया Mi-8 हेलीकॉप्टर का वीडियो, Mi-8 हेलीकॉप्टरों का दल रूसी जमीनी सैन्य दलों को कवर देते नजर आए। यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या शहर में यूक्रेनी सेना सुरक्षा उपायों को मजबूत करने में जुटी, खोदे जा रहे हैं बंकर। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कीव में की ज़ेलेंस्की से मुलाकात, ज़ेलेंस्की ने हथियार और सुरक्षा की मांग की। पुतिन ने लगाया पश्चिमी देशों पर पत्रकार की हत्या की साजिश का आरोप, कहा हमारे खुफिया एजेंसियों ने किया साजिश को नाकाम। इजरायली टैंक ने किया दक्षिणी लेबनान पर हमला, इजरायली सेना के मुताबिक लेबनान की तरफ से रॉकेट दागे जाने का जवाब दिया। इमैनुअल मैक्रॉन लगातार दूसरी बार बने फ्रांस के राष्ट्रपति, धुर दक्षिणपंथी नेता ली पेन को भारी अंतर से हराया, मैक्रॉन को मिले 57% वोट। मैक्रॉन के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी, लिखा मेरे दोस्त को फिर प्रेसिडेंट चुने जाने पर बधाई, भारत फ्रांस रणनीति साझेदारी में और मजबूती की उम्मीद। तालिबान के रक्षा मंत्री की पाकिस्तान को चेतावनी, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक को बर्दाश्त नहीं करेगा तालिबान, एयर स्ट्राइक में मारे गए थे दर्जनों लोग।
शेयर बाजार सोमवार को गिरावट के साथ बंद। सेंसेक्स में 617 अंकों की गिरावट, निफ्टी 218 अंक फिसला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 26 पैसे कमजोर हुआ। एक डॉलर की कीमत 76.68। गौतम अडानी ने की दुनिया के टॉप 5 रईसों के क्लब में एंट्री। 123 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ फोर्ब्स की लिस्ट में नंबर 5 पर पहुंचे। दुनिया का सैन्य खर्च 2 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंचा। अमेरिका, चीन और भारत हथियारों पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देश। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने प्राकृतिक खेती पर जोर दिया, कहा प्राकृतिक खेती आज की जरूरत है। खाद्य तेल उद्योग ने की सरकार से अपील, पाम ऑयल निर्यात के प्रस्तावित बैन को रोकने पर इंडोनेशिया सरकार से बात करें। आईपीएल में 26 अप्रैल को आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स की टक्कर, पुणे में होगा मैच। अक्षय कुमार और राधिका मदान ने शुरू की तमिल मूवी सोररई पोटरू के हिंदी रीमेक की शूटिंग। अक्षय ने शेयर किया राधिका का नारियल फोड़ते हुए वीडियो। और आलिया भट्ट बन गई ग्लोबल स्टार। इंस्टाग्राम पर सिनेमा के टॉप 5 इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट में जगह बनाने वाली एकमात्र एशियाई एक्टर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।